ओए शुरू। अरे भाई वैलेंटाइन डे है ना आज। हेलो ओए गर्लफ्रेंड का है तो। हाय कैसे हो। वैसे तो ये रैंडम ब्लॉग है बट अभी आपको थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा। मतलब ऐसे ही दिमाग में आया, अभी स्टडी कर रहा था ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो आज वैलेंटाइन डे दिखाते आप लोगों को कि मेडिकल कॉलेज में वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट होता है। वैसे तो अभी मैं जस्ट हॉस्टल से बाहर निकला हूँ, चलते कैंपस की तरफ। वैसे तो अभी जा रहे थे आपको दिखाने कि वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट होता है, तो बीच में सोचा कि आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ कि हम रहते कहाँ पे, है ना। तो हम रहते हैं, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है सबसे पीछे वाली, है ना, एक ही बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा हमारा कैंपस है आगे, मतलब वो हॉस्पिटल वगैरह, गर्ल्स हॉस्टल, पीजी हॉस्टल, वो सब चीज़ें आगे, ठीक है, वो सब आगे। और ये हॉस्टल मतलब बॉयज हॉस्टल को पूरे कैंपस के एक कॉर्नर पे डाल दिया है ना। मतलब कुछ भी हो जाए, तुम्हारा मरो कुछ भी करो वहीं पे रहो एक कॉर्नर में। तो लड़कों और लड़कियों यहाँ से ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि असली मज़ा यहाँ से आएगा। तो आप ये पूरा सीन देख लो, पूरा व्यू देख लो। वैसे तो ये हमारे कैंपस का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, है ना, बेस्ट एरिया है। यहाँ पे सभी फ्रेंड्स या ग्रुप्स यहाँ पे आते, टाइम स्पेंड करते हैं, रात को भी जब खाना खाने के बाद यहाँ पे घूमने आते हैं। यहाँ पे मतलब आप देख ही सकते हो ना, बैठने के लिए अच्छी जगह है, गार्डन सा है, है ना, तो बहुत अच्छा प्लेस है। और मज़े की बात यह है कि कपल्स के लिए बहुत 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 बढ़िया प्लेस है, कपल्स यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। बट आपने अभी देखा कि यहाँ पे मतलब नॉर्मली आपको कोई नहीं दिखा होगा, है ना, एक हाथ मुझे भी नहीं दिख रहा आज, ठीक है। बट इस वीक में या इस टाइम कोई नहीं दिख रहा इस जगह पे, और वैलेंटाइन वीक होते हुए भी यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा। क्यों क्यों? क्योंकि सभी के सभी लोग आपको इस जगह पर मिलेंगे। वैलेंटाइन होते हुए भी सब के सब लाइब्रेरी में घुसे पड़े क्योंकि एग्जाम इम्पोर्टेंट है भैया, वैलेंटाइन तो पूरे साल मना लेंगे। वैसे हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे ना, तब स्टार्टिंग के कुछ दिन थे ना, वो हमने यहाँ गुजारे, हर शाम जब खाना खाने बाद हम यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ और उस साइड, उस साइड भी ऐसे है, ठीक है ना, ये मेन एंट्रेंस है हमारा वहाँ पे कॉलेज का, और यहाँ पे हम ऐसे बैठते थे। आप लोगों की मुलाकात शेरू से करवाता हूँ। शेरू कैंपस का जो मेन गेट है, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उनके साथ वो हमेशा से रहता है। जब मैं उससे मिला, बेचारा पता नहीं क्यों उदास उदास सा बैठा था, जैसे एग्ज़ाम्स की वजह से कैंपस में का कोई भी वैलेंटाइन नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा था, शायद उसने भी छुट्टी ले ली हो। ओए शेरू, अरे भाई वैलेंटाइन डे है ना आज। हेलो ओए गर्लफ्रेंड का है, गर्लफ्रेंड आया क्या आई मैं कौन है नॉर्मली ये जो रोड देख सकते हैं ना, ये रोड पे ना क्राउड रहता है स्टूडेंट्स का, पेशेंट्स का, है ना, और वैसे तो रात में तो बहुत क्राउड होता है बट अभी कोई नहीं दिख रहा। तो चलो बाकी की स्टोरी हम हॉस्टल में जाके कंप्लीट करते हैं। तो हे हाय, एक्चुअली ये एक ऐसे ही रैंडम व्लॉग था,
रैंडमली मतलब इसी जगह पे कुछ देर पहले एक दो घंटे पहले मैं बैठा था, पढ़ाई कर रहा था, मेरे एग्जाम है ना, एक्चुअली हम सब लोगों की सभी ईयर्स की एग्जाम है, फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर एग्जाम ही एग्जाम है, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ रहा था तो अचानक से ख्याल आ कि अबे वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक है ना, तो क्यों ना तुम सब लोगों को दिखाया जाए कि मेडिकल कॉलेज लाइफ कैसी होती है, मेडिकल कॉलेज में वैलेंटाइन कैसा सेलिब्रेट होता है। तो ऐसे ही ख्याल आया रैंडमली, और रैंडमली मैंने कैमरा उठाया और चला गया कैंपस एक्सप्लोर करने, कपल्स कहाँ कहाँ बैठे वो एक्सप्लोर करने। बट आपको कुछ दिखा नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ नहीं दिखा, मुझे भी पता था कुछ नहीं दिखने वाला, बट मैंने ऐसा ही बना दिया क्योंकि एग्जाम टाइम है, 15-20 दिन में एग्जाम है, इसकी वजह से सभी के सभी लोग लाइब्रेरी में घुसे पड़े थे, है ना, आप लोगों ने देखा सभी के सभी, पूरी लाइब्रेरी फुल थी, फुल। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, ये सब एग्जाम के जो दिन होते हैं ना उसी टाइम सब लाइब्रेरी फुल होती है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, है ना, नॉर्मली सब अपनी अपनी लाइफ जीते हैं, बहुत अच्छे से पूरा साल बर्बाद करते हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरा साल बर्बाद करते हैं, टाइम पास करते हैं, जो चाहे वो करते हैं, है ना। तो आप लोगों को कुछ दिखा नहीं होगा नॉर्मली, बट बहुत अच्छी होती है, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ना मेडिकल कॉलेज लाइफ उससे बहुत 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 अच्छी होती है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, आओ आपको खुद समझ आएगा। तो मतलब बेसिकली एक चीज बात हो गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते अब तक आपके ऊपर, जितने रिस्ट्रिक्शन है ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, मतलब फ्रीडम मिलता है पूरा पूरा, है ना। तो अभी जहाँ से मैं उठा था अभी उसी जगह पे आके बैठा हूँ, है ना, और इस व्लॉग को एंड करना है, और अभी बच रहे हैं 12:30 तो अभी पढ़ना भी है ना, पता नहीं अब क्या है कि क्या दिन क्या रात, है ना, पढ़ना भी है अभी, क्या बोले। चलो ऑल द बेस्ट आपको भी, मुझे भी पढ़ना है, और कैसा था ब्लॉग बताना ज़रूर, है ना, और जैसे चाहिए था जैसे एक्सपेक्ट किया होगा आपने वैलेंटाइन मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल स्टूडेंट्स का वैलेंटाइन, MBBS स्टूडेंट्स का वैलेंटाइन आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि अभी ये कोरोना की वजह से एग्जाम्स जो है ना इस टाइम आए, ये वैलेंटाइन के टाइम आए, तो इसकी वजह से नॉर्मल ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है ना, आप लोगों को खुद समझ आएगा अगले साल, बहुत 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 अच्छा होता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, करो पढ़ाई, मैं भी करता हूँ, बाय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।